हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे थे वन वर्ड, और वन वर्ड में आज हम कुछ और बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो हैं विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इनको कह सकते हो। वन वर्ड टॉपिक जैसा कि हमारा चल रहा था और हमने लगभग वन वर्ड जो हैं वो 100-150 वन वर्ड पढ़ लिए। पिछले सभी क्लासों में हमने 100-150 वन वर्ड पढ़े हैं। तो आज वन वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपने उपस्थित हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि वन वर्ड से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं चाहूंगा कि इन प्रश्नों के उत्तर पहले आप दें, आप जो भी आंसर देते हैं कमेंट में दें, और फिर मैं आपको एक सही आंसर इसका बताऊंगा। इससे आपको अपना मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आपको इन वन वर्ड में से कितने वन वर्ड आते हैं और कितने नहीं आते हैं। कुछ डिफिकल्ट जरूर हैं ये वन वर्ड जो हैं, थोड़े से हाई लेवल के हैं, फिर भी इनमें से कुछ एक आपने पढ़े हुए हैं, कुछ एक आपने नहीं पढ़े हुए होंगे। तो जितने भी वन वर्ड आपको आते हैं, जिस हिसाब से भी आपको आते हैं, जो भी आपको आंसर लगता है वो आंसर आपको मुझे बताना है, और फिर मैं आपको एक करेक्ट आंसर दूंगा। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट भी देता रहूंगा ताकि आपको पता चले कि आंसर इन चार ऑप्शन में से क्या है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वन वर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये और आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द फियरलेस किलिंग ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन अनक्यूरेबल एंड पेनफुल डिजीज। कि ये कह रहा है कि द फियरलेस किलिंग ऑफ ए पेशेंट, किसी पेशेंट, मान लो कि कोई ऐसा पेशेंट है जो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज संभव नहीं है। तो ऐसी बीमारी से व्यक्ति अगर जूझ रहा है जिसका इलाज संभव नहीं है और वो डिजीज, वो बीमारी उसके लिए बहुत ही पेनफुल है, तो ऐसे व्यक्ति को स्टूडेंट्स जो है मार दिया जाता है कि ताकि उसके जो पेनफुल डिजीज है उससे उसको छुटकारा मिल सके, और हमें पता है कि उसकी वो डिजीज ठीक नहीं हो सकती। तो जैसे इच्छा मृत्यु, आपने शब्द सुना होगा, कई लोग इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन लगाते हैं राष्ट्रपति के पास जब उनके उनको लगता है कि वो जी सकते ही नहीं, कोई इसी किसी प्रकार की ऐसी बीमारी से जूझ रहे हो जिसमें जो है उनको पता है कि डेथ निश्चित है, लेकिन वो जो बीमारी है उनके लिए काफी पेनफुल है। तो उस पेनफुल डिजीज से छुटकारा पाने के लिए जो फियरलेस किलिंग होती है पेशेंट की, उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? क्या उसको मर्सी किलिंग कहा जाता है, या उसको मर्डर कहा जाता है, या असेसिनेशन कहा जाता है, या फिर एट्रोसिटी कहा जाता है? यहां पर आपको सही आंसर ढूंढना है। मैंने आपको बताया है कि यहां पर देखो जैसा कि कह रहा है कि मर्सीफुल डिजीज, मर्सीफुल जो है, फियरलेस किलिंग जो है पेशेंट की, जो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज संभव नहीं है, तो स्टूडेंट्स उसको क्या कहा जाएगा? तो यहां पर आपको एक सही आंसर आपको मुझे बताना है। वो सही आंसर क्या होगा सोचना है, क्या वो मर्सी किलिंग है, क्या वो मर्डर है, क्या वो असेसिनेशन है, क्या वो एट्रोसिटी है, पेनफुल डिजीज से छुटकारा दिलाने के लिए किसी को मारना, क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? मर्सी किलिंग, मर्डर, असेसिनेशन या एट्रोसिटी? सही सा आंसर आप ढूंढो क्या होगा। एक वर्ड है यहां पर, ई यू टी एच ए एन ए एन ए एस आई ए। एक वर्ड है एथेंसिया। एथेंसिया जो होता है वो क्या होता है, ये भी इसी में आपको छिपा हुआ मिलेगा। ये भी कई बार एथेंसिया भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसका भी अपने को ध्यान देना है कि एथेंसिया भी हमसे पूछा जा सकता है। ई यू टी एच ए एन टी
THANSI एथ्वेंसिया। तो स्टूडेंट्स अगर किसी को पेनफुल डिजीज है और फिर वो अनक्योरेबल है, यानी कि उसका क्योर नहीं किया जा सकता, उसका इलाज नहीं किया जा सकता, तो ऐसे फियरलेस किलिंग को स्टूडेंट्स मर्सी किलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्सी किलिंग। और इस मर्सिंग किलिंग को हम जो है एथुन्सिया भी कहते हैं। एथुन्सिया भी मर्सी किलिंग को कहा जाता है। एथुन्सिया मतलब होता है मर्सी किलिंग। ओके, तो कई बार मर्सी किलिंग ऑप्शन में आ जाता है जब तो मर्सी किलिंग आंसर है, और अगर कई बार ये वाला ऑप्शन आ जाए एथुन्सिया, तो इसे एथुन्सिया भी कहा जाता है। द फियरलेस किलिंग ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन अनक्यूरेबल एंड पेनफुल डिजीज, इसे इथुन्सिया भी कहा जाता है। और अगर इसको हम मर्सी किलिंग कहेंगे तो भी सही होगा, मर्डर या असैसिनेशन या एट्रोसिटी नहीं कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर है मर्सी किलिंग, और इसी को इथुन्सिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ पर्सन हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम। मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि ऐसा व्यक्ति जो क्राइम में साथ देता है, मतलब कोई एक व्यक्ति क्राइम कर रहा है और उस क्राइम में उसका साथ देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या उसे एसोसिएट इन क्राइम कहा जाएगा, क्या उसे लीडर कहा जाएगा, क्या उसको अकम्प्लिश कहा जाएगा, या ये अकम्प्लिश कहा जाएगा? ये तो है वर्ब, ये है वर्ब और ये है नाउन। एक वर्ब है और एक नाउन है। अ पर्सन हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम, तो स्टूडेंट्स उसे एसोसिएट इन क्राइम कहा जाएगा, लीडर कहा जाएगा, अकम्प्लिश कहा जाएगा, या अकम्प्लिश, दो हैं यहां पर। तो आपको पता चली होगा, चली गया होगा कि एसोसिएट इन क्राइम तो नहीं होगा आंसर, लीडर भी आंसर नहीं होगा, आंसर इन दोनों में से एक है, अकम्प्लिश या अकम्प्लिश। ये आपको सोचना है कि क्या आंसर यहां पर होगा। फटाफट से बताइए यहां पर सही आंसर क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यहां पर जो है आंसर है वो ये है, आंसर है डी अकम्प्लिस, जिसका हिंदी अर्थ होता है अपराध में साथी। क्या होता है ये? अपराध में साथी। अपराध में जो साथी होता है उसको हम अकम्प्लीस कहते हैं, और ये नाउन होता है। ये वाला जो अकम्प्लीस है वो नहीं है, फर्क बस इतना सा है कि यहाँ पर एस एच है और यहाँ पर सी है, बाकी सेम स्पेलिंग है, और यहाँ पर ये वर्ब है और ये नाउन है, तो आपको ये याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, दूसरा क्वेश्चन कर लिया। तीसरा है द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मैंने गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको वन वर्ड बताए थे, उसी से रिलेटेड है ये। तो यहां पर आपको अब बताना है सही आंसर यहां पर क्या होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा कि कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट क्या होगा? क्या हम उसको ऑटोक्रेसी कहेंगे, क्या ऑटोमेशन कहेंगे, ऑटोनॉमी कहेंगे, या ऑटोगेमी कहेंगे? सोचिए आंसर क्या होना चाहिए। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी, ऑटोमेशन, ऑटोनॉमी, ऑटोगेमी। फटाफट से कमेंट कीजिए, फिर आप चेक करना, जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आप चेक करना कि आपका आंसर सही है या गलत है। फटाफट से स्टूडेंट्स देखो क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन वापस देखिए, द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी, ऑटोमेशन, ऑटोनॉमी, ऑटोगेमी। कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स बताना है। स्टूडेंट्स यहां पर हमारा आंसर है तीसरा, इसे हम कहेंगे ऑटोनॉमी। ये क्या होता है? ऑटोनॉमी होता है। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑटोनॉमी कहते हैं हम। ऑटोक्रेसी, ऑटोमेशन, ऑटोगेमी नहीं होता, सही आंसर क्या है? ऑटोनॉमी। तो यहां पर जो हमारा आंसर है स्टूडेंट्स वो है सी नंबर, जो
सेकंड वाला क्वेश्चन है वहां पर है हमारा आंसर डी नंबर, और यहां पर था आंसर हमारा ए नंबर, ए वाला आंसर था। चलिए बात करते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर फोर की। वन हु एब्स्टेन, एब्स्टेन एब्स्टेन होता है स्टूडेंट्स परहेज रखना, परहेज रखना, परहेज रखना बोल दो, चाहे आप ये बोल दो दूर रहना, परहेज रखना या फिर दूर रहना। ओके, वन हु एब्स्टेन कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहल, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से एल्कोहल से दूर रहता है, अर्थात एल्कोहल को नहीं लेता है, अर्थात एल्कोहल से परहेज रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को, एल्कोहल का मतलब शराब है यहां से, कि वन हु एब्स्टेन कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहल, ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है, वो कह सकते हो आप। तो यहां पर ऐसे व्यक्ति को अथिस्ट कहा जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, या फिर क्लिप्टोमेनिक कहा जाएगा, या फिर टी टोटलर कहा जाएगा, या फिर टोटलरेटियन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा ये आपको सोचना है। वन हु एब्स्टेन कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहल, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा जो शराब से दूरी बनाए रखता है, जो शराब से परहेज रखता है, जो शराब नहीं पीता है, क्या स्टूडेंट्स उसको एथिस्ट कहा जाए, या क्लिप्टोमेनिक कहा जाए, या टी टोटलर कहा जाए, या टोटलिटेरियन कहा जाए। सही आंसर आपको बताना है, आप बताइए फिर मैं बताता हूं। कई बार ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है, अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल एंड एब्सटेन टोटली फ्रॉम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, ऐसे भी पूछा हुआ है एक बार, क्या प्रश्न पूछा हुआ है कि वो ऐसे भी पूछ लेता, अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल एंड एब्सटेन टोटली फ्रॉम द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, एथिस्ट कहा जाता है, या क्लिप्टोमेनिक कहा जाता है, टीटेटलर कहा जाता है, टोटलिटेरियन कहा जाता है, ये आपको सोचना है। फटाफट से कमेंट करके मुझे आंसर बताएं, ताकि मैं आपको फिर सही आंसर की ओर ले जाऊं। सोचिए स्टूडेंट्स फटाफट, देखें कितने स्टूडेंट्स इस आंसर को भेजते हैं मेरे पास, और फिर जब आप आंसर चेक करोगे, मेरे बताए हुए आंसर से मिलान करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है। सोचो स्टूडेंट्स फटाफट। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स टी टोटलर। इसको, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, टी टोटलर कहा जाता है, अर्थात शराब ना पीने वाला व्यक्ति, जो शराब से परहेज रखता है वो टी टोटलर कहता है। इसका आंसर तो हमने देख ही लिया था, ऑटोनॉमी होता है, मैं राउंड कर देता हूं, और ये होता है मर्सी किलिंग, इसको हम इथ्यूनसिया भी कहते हैं, ये भी इसका आंसर ही है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर फोर का जो हमारा आंसर है, आंसर है सी, ऐसे व्यक्ति को टी टोटलर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की जो कला होती है उस कला को क्या कहा जाता है, ऐसी कला जिस, जो कि सुंदर लिखावट से संबंधित है, तो स्टूडेंट्स को क्या, कार्नेज कहा जाता है, कैलीग्राफी कहा जाता है, कोरियोग्राफी कहा जाता है, या एनेस्थेसिया कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। सोचिए स्टूडेंट्स और सही आंसर बताएं, इन चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है, मेरे आंसर से मैच करना है, और फिर आपको पता लगाना कि आपका उत्तर सही था या गलत। फटाफट से कमेंट कीजिए, देखिए कौन सा स्टूडेंट सही आंसर देता है, फटाफट से कमेंट करो फटाफट। स्टूडेंट्स सुंदर हैंडराइटिंग की जो कला है उसे क्या कहा जाता है, सुंदर लिखने की जो कला है उसे क्या कहा जाता है, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। सुंदर लिखने की कला को क्या कार्नेज कहा जाता है, क्या कैलीग्राफी कहा जाता है, क्या कोरियोग्राफी कहा जाता है, या एनेस्थेसिया कहा जाता है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका सही आंसर सेकंड है, कैलीग्राफी जो होती है ये सुंदर लेखन को कहा जाता है। सुंदर लेखन जो होता है वो कैलीग्राफी कहलाता है। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं सुंदर लेखन। अच्छा लिखना जो है, अच्छी लिखावट जो है वो कैलीग्राफी होती है। इसलिए पांचवें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो आंसर है हमारा बी। तो आप मैच करते जा रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। हमने टोटल पांच प्रश्न किए हैं अभी, और आपके इसमें से किसके कितने ज्यादा सही हैं आप लोग देख लीजिएगा। पहले का आंसर ए है, दूसरे का डी है, तीसरे का सी है, चौथे का सी है, और पांचवें का दूसरा है कैलीग्राफी। फिर हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर, यानी कि नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है हमें। अगर आपको वन वर्ड में क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो फिर बच्चों आपको आंसर भी मिल जाता है जल्दी। इसलिए जो क्वेश्चन है वो अगर आप एक बार पढ़ते हो समझ में नहीं आता तो दोबारा पढ़ो उसको। क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है वन वर्ड में कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को जो स्टूडेंट समझ जाते हैं वो सही आंसर पर भी पहुंच जाते हैं। और दूसरा, आपको वोकैब को बढ़ाना होगा, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना पड़ेगा। आप एक नियम बना लीजिए कि आपको 10 नए वर्ड डिक्शनरी से लिख कर याद करके सोना है, कि आप अपने उसूल बना लो पूरी स्टूडेंट लाइफ का कि आपको 10 नए वन वर्ड डेली लिखने हैं और उनको याद करने हैं। और जितने ज्यादा वर्ड आपके पास होंगे, जितनी वर्ड पावर आपकी ज्यादा होगी, जितनी वोकैब आपकी अच्छी होगी, उतनी आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश को सीखना है तो वोकैब को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं हम कि मच डैमेज, डैमेज आपको पता है नुकसान होना, और एंड मिस फॉर्चून कॉज्ड बाय, एंड मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय, ओके स्टूडेंट थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको सही करते हैं अपने। यहां पर क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय नेचर, तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम क्लेमिटी कहेंगे, विपदा कहेंगे, फेकेड कहेंगे, पेनरी कहेंगे, या फर्टिलाइट कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पर सोचना है, क्लेमिटी कहा जाएगा, फेकेड कहा जाएगा, या फिर यहाँ पर पेनरी कहा जाएगा, या फर्टिलिटी कहलाएगा। ये आपको सोचना है और आंसर बताना है। फटाफट से सोचिए क्या आंसर होगा, कि प्रकृति के द्वारा जो डैमेज किया जाता है, जो दुर्भाग्य लाया जाता है, जो प्रकृति नुकसान पहुंचाती है, उस नुकसान को क्या कहा जाता है? क्लेमिटी कहा जाता है, फेकेड कहा जाता है, पेनुरी या फर्टिलाइट कहलाता है, फर्टिलिटी कहलाता है। ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। इसको हम बोलते हैं क्लेमिटी। और क्लेमिटी का अर्थ क्या होता है? क्लेमिटी का अर्थ होता है विपदा। विपदा जो प्रकृति के द्वारा आती है उसको हम बोलते हैं क्लेमिटी। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम क्लेमिटी बोलते हैं, विपदा भी कहते हैं, और हम इसको आपदा भी कहते हैं। आपदा या विपदा एक ही बात है, और इसका सही आंसर होता है क्लेमिटी। तो यहां पर हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है ए। ओके चलिए आगे। फिर हमारा सेवंथ क्वेश्चन है कि द सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल। ग्रुप ऑफ एनिमल को हर्ड कहा जाता है, आपको पता है। हर्ड क्या होता है? हर्ड होता है ग्रुप ऑफ एनिमल। ग्रुप वाले वन वर्ड में आपने पढ़ा था, ग्रुप ऑफ एनिमल जो होता है उसको हम हर्ड कहते हैं। और फ्राइटेंड एनिमल का मतलब होता है जो डरे सहमे, डरे हुए या सहमे हुए जो एनिमल्स हैं। द सडन, सडन मतलब अचानक, रनिंग अचानक, डरे सहमे पशुओं का झुंड जो भागता हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्टेम्पेड कहेंगे, अलूफ कहेंगे, फीस्टा कहेंगे, या आइडलाइज कहेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, मतलब हर्ड है एक, और वो सारे एनिमल्स जो उस ग्रुप में हैं वो फ्राइटेंड हैं,
डरे हुए हैं और अचानक से भागना शुरू करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या स्टैम्पेड कहा जाएगा, अलूफ कहा जाएगा, फिएस्टा कहा जाएगा, आइडलाइज कहा जाएगा? ये आपको स्टूडेंट मुझे बताना है। फटाफट से आप बताएं सही आंसर इसका क्या होगा। सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स, उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स बताओ। देखें कौन स्टूडेंट सही आंसर देता है, फटाफट से कमेंट करते रहो आप ताकि मुझे पता चले कि कौन स्टूडेंट सही आंसर दे रहा है। स्टेम्पेड, अलू, फिएस्टा या आइडलाइज, क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपने क्या आंसर दिया है? आंसर होगा इसका स्टेम्पेड, ये इसका सही आंसर है। और इसलिए सेवंथ का आंसर हमारा बनता है ए, कि द सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स, हम उसको स्टेम्पेड कहते हैं, कि अचानक जो डरे सहमे पशुओं का झुंड है अचानक भागना जो शुरू करता है हम उसको स्टेम्पेड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे। ये 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट तो हमारा था द फियरलेस किलिंग ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ए अनक्यूरेबल एंड पेनफुल डिजीज, उसको हम मर्सी किलिंग कहते हैं या इथुएंसिया भी कहते हैं। अ पर्सन हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कमीशन ऑफ क्राइम, उसको अकम्प्लिस कहा जाता है। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, उसको ऑटोनोमी कहा जाता है। वन हु एब्सटेंट कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहल, उसको टीटोटलर कहा जाता है। द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, उसको कैलीग्राफी कहा जाता है। मच डेमेड डेमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर, उसको हम क्लेमिटी कहते हैं। द सडन रनिंग ऑफ हार्ट ऑफ फ्राइटेंड एनिमल, उसको हम स्टैम्पेड कहते हैं स्टूडेंट्स। चलें आगे। चलिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन और हैं। अ नैप आफ्टर लंच, अ नैप आफ्टर लंच क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले तो आपको नैप का अर्थ समझना पड़ेगा कि नैप क्या होता है स्टूडेंट्स। नैप होता है झपकी, क्या बोलते हैं हम इसको, झपकी। झप्पी अलग है, झप्पी तो गले लगना होता है, ये झपकी है। झपकी मतलब बैठे बैठे अचानक से आपको कुछ एक मिनट के लिए नींद आ जाती है, कुछ एक सेकंड के लिए जो नींद आती है उसको हम झपकी कहते हैं। तो अ नेप आफ्टर लंच, जब आप खास तौर पर जब हम लोग लंच करते हैं उसके बाद नींद सी आती है, हल्की सी नींद आती है और थोड़ी देर के लिए हम आंखें बंद कर लेते हैं और 1-2 मिनट के लिए जो नींद निकाल लेते हैं उस समय, उसको क्या कहा जाता है? ये पूछ रहा है। अ नेप आफ्टर लंच यानी कि लंच के बाद जब आपकी हल्की सी आंख लग जाती है, अर्थात आप कुछ एक मिनटों सेकंडों के लिए सो जाते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे आइडलाइज कहा जाता है, बेरियो कहलाता है, वो सिएस्टा कहलाता है, स्लीप वॉकिंग कहलाता है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, उसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? आइडलाइज कहलाएगा, बेरियो कहलाएगा, सिएस्टा कहलाएगा, स्लीप वॉकिंग कहलाएगा? सही आंसर बताएं। आइडलाइज, बेरियो, सिएस्टा, स्लीप वॉकिंग, फटाफट से कमेंट करें आंसर बताएं कि सही आंसर इसका क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आइडलाइज, बेरियो, सिएस्टा, स्लीप वॉकिंग। जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, देखें कौन बच्चा बहुत होशियार है, कौन पढ़ता है, अभी पता लग जाएगा। हाँ हालांकि डिफिकल्ट है क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट है, बट जब अपने डिफिकल्ट पढ़ेंगे तो इजी आएंगे, तो हम आसानी से कर सकेंगे। और जितने पीछे वन वर्ड आपने पढ़े हैं, ये वन वर्ड के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर हम एक बार स्टॉप करेंगे वन वर्ड को, फिर हम आगे पढ़ेंगे सिनोनिम या एंटोनिम्स, सिनोनिम पढ़ेंगे या एंटोनिम्स जो भी, उसके बाद एडियम्स पढ़ेंगे, फिर वापस वन वर्ड पे आएंगे, ताकि आप लोग बोर ना हो, लगातार वन वर्ड पढ़ेंगे, कई दिन वन वर्ड पढ़ेंगे तो फिर आप हो सकता है बोर हो जाओ, तो फिर आप बोर ना हो, इसलिए वन वर्ड हमने 100-150 पढ़ ही लिए, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम,
और इसके बाद सिनोनिम पढ़ेंगे। सिनोनिम से जब आप बोर होने लग जाओगे तो एंटोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनिम से बोर हो जाओगे तो इडियम्स पढ़ेंगे, फिर वापस वन वर्ड पे आएंगे। इस तरह से हम इस पूरे वो चारों टॉपिक को, वॉकअप के चारों टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको आंसर बताता हूँ, अ नैप आफ्टर लंच, इसको स्टूडेंट्स कहा जाता है सिएस्टा, ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो है सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनेप आफ्टर लंच, उसको सिएस्टा कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, यूजिंग सॉफ्ट साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, कि तीखेपन को कम करने के लिए जो सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या उनको इफ्यूमिज्म कहा जाता है, इफ्यूजम कहा जाता है, एजोनेंस कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करें। यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, एफेज्म, इफेमिज्म, एफ्यूजम, एजोनेंस या रेजोनेंस, सोचिए स्टूडेंट्स सही आंसर क्या हो सकता है। पहले आप सोचें फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। एफेमिज्म होगा या इफ्यूजम कहलाएगा ये, या एजोनेंस या रेजोनेंस, कमेंट कीजिए फटाफट से आंसर बताएं, देखें कौन बच्चा सही आंसर दे पाता है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमारा आंसर नंबर फर्स्ट है इफेमिज्म। इफेमिज्म का मतलब क्या होता है? मतलब किसी बुरी चीज को अच्छे शब्दों से बताना, उसको इफेमिज्म कहा जाता है। और क्वेश्चन भी यही था, यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, मतलब किसी बुरी चीज को अच्छे शब्द से बताना, उसको इफेमिज्म कहलाता है। जैसे कि डेथ, डेथ मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि डेथ जो होता है एक हमें बुरा शब्द लगता है, अंतिम जीवन का सत्य तो यही है, फिर भी हमें बुरा लगता है डेथ। डेथ वर्ड जो है थोड़ा सा हमें भयानक लगता है, बुरा लगता है। इसको हम जो है आसान शब्द में यानी कि अच्छे शब्द में बताना चाहें, जिससे इसकी भयानकता थोड़ी कम हो जाए और इसका बुरापन थोड़ा कम हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं? पास्ड अवे। हम इसको क्या बोलते हैं? पास्ड अवे। डेथ का सिनोनिम होता है पास्ड अवे। तो डेथ से ज्यादा है, दोनों का अर्थ एक ही है, बट हम डेथ ना कह के पास्ड अवे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम इस बुरे शब्द को थोड़ा सा अच्छा बना रहे हैं। तो बुरे शब्द को अच्छा बनाना जो होता है इफ्यूमिज्म कहलाता है, मतलब उसमें कुछ थोड़ी सी मधुरता लाई जाती है, उसे कहा जाता है। और किक्ड द बकेट, एक इडियम्स है ना, इसको हम किक्ड द बकेट भी तो बोलते हैं, इसको हम किक्ड द बकेट, किक्ड द बकेट भी बोलते हैं। किक्ड द बकेट का अर्थ भी क्या होता है? डेथ। और पास्ट अवे का भी अर्थ होता है डेथ। यानी कि इस बुरे शब्द को हमने अच्छे शब्दों में बदल दिया, अर्थ सेम है, तो हम उसको इफेमिज्म कहते हैं। तो यहां हमारा क्वेश्चन था यूजिंग सॉफ्ट साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, तो उसको हम इफेमिज्म कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ए फॉल्स आइडिया और इमेज, एक झूठा विचार या झूठी इमेज, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एल्यूशन, इल्यूशन या इमेजिनरी, क्या कहलाएगा? आपको बताना है सही आंसर, आप बताएं क्या होगा। अ फॉल्स आइडिया और इमेज, फटाफट से बताएं स्टूडेंट्स, ए फॉल्स आइडिया और इमेज को हम क्या बोलेंगे? फॉल्स आइडिया और इमेज क्या कहलाता है? क्या हम उसको एल्यूशन कहेंगे, इल्यूशन कहेंगे या फिर इमेजिनरी कहेंगे? फॉल्स आइडिया, फटाफट से सोचो और बताओ, फॉल्स आइडिया को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एल्यूजन, इल्यूशन, इमेजिनरी, झूठा कोई भी आइडिया या झूठा कोई भी इमेज, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत ही आसान है ये, तो कोई मुश्किल है ही नहीं क्वेश्चन, इसको तो आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो
एल्यूशन, इल्यूशन क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स? यहां पर स्पष्ट है कि हमारा आंसर है इल्यूशन। हमारा आंसर क्या है? इल्यूशन। आंसर नंबर सेकंड है, आंसर बी है यहां पर हमारा। फॉल्स आइडिया और इमेज को हम इल्यूशन कहते हैं। फॉल्स आइडिया और इमेज को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं हम लोग? उसको इल्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड क्या कहलाता है? किसी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग एनोटेशन कहलाता है, कैनोटेशन कहलाता है, डिनोटेशन कहलाता है, डिग्रेशन कहलाता है। यहां पर आपको सही आंसर बताना है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड एनोटेशन, कैनोटेशन, डिनोटेशन, डिग्रेशन। क्या सही आंसर होगा? सोचिए स्टूडेंट्स, अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, जो है बड़ी ढूंढ के लाया हूं आपके लिए क्वेश्चन, ताकि आपके एग्जाम में आ जाएं तो आपको सही आंसर मिल जाए। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड एनोटेशन, कैनोटेशन, डिनोटेशन, डिग्रेशन। क्या सही आंसर होगा? सोचिए और बताएं, कमेंट कीजिए फटाफट से, ताकि मुझे समझ में आए कि कौन सा स्टूडेंट सही आंसर दे रहा है। क्वेश्चन है द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड एनोटेशन, कैनोटेशन, डिनोटेशन, डिग्रेशन। तो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं, यहां पर हमारा आंसर है थर्ड। यहां पर आंसर है हमारा थर्ड, डिनोटेशन जो होता है डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्टेटमेंट दैट से लेस देन व्हाट इज मीन्ट। अ स्टेटमेंट, ऐसा कथन, दैट से लेस देन व्हाट इज मीन्ट, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो अर्थ है उससे थोड़ा सा कम बता रहा है, जो जिस चीज का अर्थ है उससे थोड़ा सा कम आंक कर उसको बता रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा? क्या उसको एम्बिग्यूटी कहलाएगा कहते हैं, या ऑक्सीमोरोन कहते हैं, या अंडर स्टेटमेंट कहते हैं, या लिटोटस कहते हैं? ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। A statement that say less than what is meant, ambiguity, oxymoron, understatement या litotus, बताएं यहां पर सही आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट से कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, बताएं क्या होगा। A statement that less than what is meant, से क्या कहा जाएगा आपको बताना है। फटाफट से बताओ, मुश्किल है क्वेश्चन मैं जानता हूं, फिर भी एक आइडिया लगाओ क्या आंसर हो सकता है। स्टेटमेंट दैट से लेस देन व्हाट इज मीन्ट, एम्बिग्यूटी, ऑक्सीमोरॉन, अंडरस्टेटमेंट या लिटोटस। स्टूडेंट यहां पर हमारा आंसर होगा सी, अंडरस्टेटमेंट। यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर है सी, और क्वेश्चन नंबर 11 का भी हमारा आंसर था सी, और ये हमारा आंसर 10th का था बी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। वन हु डज नॉट रिवील वन्स थॉट्स और फीलिंग रेडिली, ऐसा व्यक्ति जो उजागर, रिवील का अर्थ क्या होता है? रिवील का अर्थ होता है उजागर करना, यानी कि हम इसको कहते हैं प्रकट करना, प्रकट करना। वन हु डज नॉट रिवील वन्स थॉट्स और फीलिंग रेडिली, जल्दी से जो अपनी थॉट्स और फीलिंग को शो नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिसेंट बोलते हैं, आउटस्पोकन बोलते हैं, रिजर्व्ड बोलते हैं, या बेनिवोलेंट बोलते हैं। बेनिवोलेंट तो होता है, चलो मैं बाद में बताता हूँ, वैसे दयालु होता है, चलो बता ही देता हूँ, दयालु। ये तो इसका आंसर नहीं है, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, बाकी तीन में से बता हुआ। वन हु डज नॉट रिवील वन्स थॉट्स और फीलिंग रेडिली, ऐसा व्यक्ति जो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को उजागर नहीं करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे ये आपको बताना है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है आपको बताना है। उसको रेटिसेंट कहा जाएगा, आउटस्पोकन कहा जाएगा, रिजर्व्ड कहा जाएगा, या बेनिवोलेंट कहा जाएगा। बेनिवोलेंट लास्ट वाला ऑप्शन तो नहीं है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें कि यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। एक तो रेटिसेंट और एक रिजर्व्ड, ये दोनों एक ही अर्थ देते हैं, तो एक दूसरे के सिनोनिम हैं, है ना। ये गलती से मैंने दोनों एक साथ डाल दिए। इनमें से चाहे रेटिसेंट पूछा जाता तो रेटिसेंट आंसर है, अगर रिजर्व्ड होता तो रिजर्व्ड आंसर है। तो यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर आंसर के रूप में कह देता हूँ कि बोथ, एक तो ए और दूसरा सी, और दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। इन दोनों में से एक दिया जाएगा क्वेश्चन में, मैंने दोनों दे दिए, बाय मिस्टेक हुआ है ऐसा। वन हु डज नॉट रिवील वंस थॉट्स और फीलिंग रेडिली, उसको रेटिसेंट भी कहते हैं, उसको हम रिजर्व्ड भी कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समथिंग दैट इज सपोज्ड बट नॉट नेसेसरी रियल और ट्रू। यहाँ पर भी वैसे ही मिस्टेक हुई है, समथिंग दैट इज, जैसे ऊपर मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में वैसे ही यहाँ पर भी हुई है, समथिंग दैट इज सपोज्ड बट नेसेसरी रियल और ट्रू, नॉट नेसेसरली रियल और ट्रू। मतलब ऐसी कोई चीज जिसको माना जा सकता है, सपोज्ड किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो सच हो या वास्तविक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल बोलते हैं, नोसियस बोलते हैं, सेंसिटिव बोलते हैं, या सपोज्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। समथिंग दैट इज सपोज्ड बट नॉट नेसेसरली रियल और ट्रू, उसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं, न्यूसेस बोलते हैं, या सेंसिटिव बोलते हैं, या सपोज्ड बोलते हैं। यहां पर भी 13 वाले क्वेश्चन की तरह मिस्टेक हुई है। सही आंसर बताना है आपको। समथिंग दैट सपोज्ड बट नॉट नेसेसरली रियल और ट्रू क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? ये हाइपोथेटिकल कहलाएगा, नोसियस कहलाएगा, सेंसिटिव कहलाएगा, या सपोज्ड कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना कि दो दो आंसर है यहाँ पर, हाइपोथेटिकल और सपोज्ड, इन दोनों का एक ही अर्थ है। तो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। मैंने भूलवश ये दो एग्जाम्पल दोनों दे दिए और दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। हाइपोथेटिकल या सपोज्ड एक ही बात है, तो यहाँ पर भी आप फिलहाल तो ये लिख लो कि बोथ यहाँ पर आंसर ए एंड डी कहलाएगा। बट एग्जाम में इस तरह से दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा, चाहे वो हाइपोथेटिकल हो चाहे वो सपोज्ड हो। अगला क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, ऐसा प्लेस जहां पर बर्ड्स रखे जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, एक्वेरियम है कि जू है कि एमनेस्टी है या एवियरी है, ये इस प्रश्न का उत्तर आप जानते ही हैं। ये तो बहुत ही आसान है और मैंने आपको बताया हुआ भी है। फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएं कि सही आंसर क्या है। बताइए स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा? यहां पर जो है सही आंसर है हमारा लास्ट, इसको हम बोलते हैं एवियरी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।